गाइस इतना देर से हम लोग सोचे थे यार मार्केट इतना सूना सूना क्यों है, सारे लोग तो बस रेल गेट पे ही फंसा हुआ पड़ा है। साहब इतना दिनों के बाद ऐसा रास्ते में चलाने के लिए कत्ता ही मजा आ रहा है भाई। जुबी को अपन पूरा टिकट दिया है एक्सेलरेटर, पत्थर के ऊपर जा ही नहीं रहा यार। फीलिंग लेने के लिए हम लोगों को चलाना पड़ेगा भाई 200 200 200, लेकिन बाइक लेने का ही दम नहीं है भाई। 200 कुदाने वाला बाइक तो भाई दूर का बात है। मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो ये है भूटान गेट, इसके उस पार ही है बस भूटान, एंड ये पार भाई आखिरकार हिल्स के सामने हम लोग आ चुके हैं। लुक एट द व्यू व्यू, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस कैसे आप लोग, होप करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया है, मस्त है, अपन भी एकदम मस्त। सो गाइस आई थिंक ये मेरा लास्ट वीडियो है इन दिस स्टेट, इन दिस वेस्ट बंगाल। इसके बाद मैं बाहर जाने वाला हूं, उसके बाद फिर से वापस आऊंगा यार, बाहर थोड़ी ना रहूंगा। ओके एंड आज हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, मकरापारा नाम है जगह का, नाम दूसरा साइड जो रास्ता मैंने आप लोगों को बोला था मकरापारा जाता है, तो आज हम उसी जगह पे जाने वाले हैं। एक भैया का वहाँ पे फुटबॉल मैच है तो उसी बहाने यार घूम के भी आएंगे जगह को। एंड मेरे साथ आज जा रहा है अपना आयुष भाई। तो गाइस फिर निकलते हैं यहाँ से, अभी बज रहा है टाइम शाम के 3, ये लोग आगे चला गया, वो लोग बुला रहा है जल्दी जल्दी से, सो हम लोग चलते हैं यार जल्दी जल्दी से। एंड चलिए फिर मोटो ब्लॉग सेटअप पे। एंड बीरपाड़ा में पूजा का जो मार्केटिंग चल रहा है भाई जोरों शोरों से चल रहा है। एंड गाइस बीरपाड़ा ऐसा एक जगह है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लेस, अगर कुछ भी मिल जाता है भाई जो आप लोगों को धुपगुड़ी पे नहीं मिलेगा, जयगांव पे नहीं मिलेगा, फलाकाटा में भी बहुत कुछ नहीं मिलता, लेकिन बीरपाड़ा में भाई फैशन की कोई कमी नहीं है। तो मार्केटिंग करना है तो आ जाओ बीरपाड़ा भाई। क्या ओ भाई साहब, रेल गेट चेक करे भाई, रोस्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं यार, इतना लंबा जाम। A few moments later, अब अभी धीरे धीरे से खुल रहा है जाम, हाय इतना ज्यादा भीड़। सो गाइस इतना देर से हम लोग सोचे थे यार मार्केट इतना सूना सूना क्यों है, सारे लोग तो बस रेल गेट पे ही फंसा हुआ पड़ा है यार। मार्केट सूना सूना सा लग रहा था। चलो भैया चलो चलो चलो, फिर से फंस चुके यार। Many hours later, गर्मी लग रहा है बहुत तेज क्योंकि धूप में इतना देर से खड़ा हुआ पड़े है। पुलिस वाले अंकल जी वहाँ पे रोक दिया यार एक साइड। 2000 years later, यो बॉयस फाइनली निकल चुके जाम से, तो थोड़ी ही देर के बाद आप लोगों को मिलने वाला है मस्त वाला नजारा। अस्पताल गेट नंबर 2, कॉल करो। बस भैया लोगों का वेट करते करते भूख लग चुका है, तो हम लोग अभी खाएंगे जलेबी। हो जलेबी भाई, जलेबी भाई, जलेबी भाई, बड़े बड़े जलेबी यार, आई डोंट थिंक ये टेस्ट होगा, खा के देखते हैं उसके बाद जज करेंगे। को पैसा बर्बाद पहन चोर। बस प्लेयर लोग कुछ आगे चले गए हैं, कुछ पीछे रह चुके हैं, हम लोग है बीचों बीच पे। एंड जैसे कि ये आखिरी वीडियो होगा आउट ऑफ द स्टेट जाने के पहले, पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छा अच्छा सीन दिखाने के लिए। ये वाला नजारा चेक करें आप, क्या मस्त लग रहा है, यहाँ पे चल रहा है भाई प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत भी जरूरी है। ब्रह्मास्त्र फिल्म में बोला गया ताकत प्यार का सबसे ज्यादा है यार, तो आप लोग भी प्यार करिए, खुल के प्यार कीजिए। राम सिंह चौक, ये है राम सिंह चौक, एंड इधर से हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट साइड, एंड रोड देख पा रहे भाई छोटी सा रोड, कुछ अलग ही जगह पे हम लोग आ चुके हैं। स्पीड ब्रेकर्स ना हो तो कत्ता ही मजा ही आ जाएगा भाई, उड़ा उड़ा के जाएंगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा राइड कर रहा भाई, मस्त खुल के एकदम जुबी को, भाई 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 ये स्पीड ब्रेकर से अबे स्कैम हो गया। यही वाला रोड जाता है मकरापाड़ा, मैच जहाँ कहीं भी चल रहा होगा मैं मकरापाड़ा मंदिर तक आप लोगों को ले जाके दिखाऊंगा आज। कम टू भूटान गेट 8.8 किलोमीटर्स, थिंक मैं भूटान गेट भी आप लोगों को लेके जाऊंगा आज। लेकिन नहीं, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो, तुम अकेली फुल हो जाऊं मैं? पेट्रोल भरते नहीं और टैंकी फुल चाहिए इनको। Yes, too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't wait.
सो भाई लोग कुछ 4 से 5 साल आगे मैं गया था माकरा पर। अब इधर का रोड बहुत बाहियत था, लेकिन अभी क्या खतरनाक रोड बना के रखा है यार। सबसे अच्छा बात मेरे को क्या लगा, इधर स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है भाई। एंड इधर देख पा रहे हो आप लोग एक प्यारा सा गुम्फा। एंड भाई जगह देखिए भाई, दोनों साइड फॉरेस्ट एंड बीचों बीच भाई एक भी खट्टा नहीं है रास्ता। दिनों के बाद ऐसा रास्ते में चलाने के लिए कत्ता ही मजा आ रहा है भाई। जो भी कहो अपन पूरा टिकट दिया है, एक्सेलरेटर उत्तर के ऊपर जा ही नहीं रहा है यार। 70 ही आखिरी है, पूरा एक्सेलरेटर देख पा रहे हो मैं तो बाकी रखा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इसके आगे नहीं जाएगा पूरा 70 भाई, ज्यादा पावर नहीं लगा सकते क्योंकि यार दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। इस भैया का, अजय भाई का और रोहित भाई का बाइक चलाते चलाते मतलब हाथ में ऐसा आ गया है, अभी 100 का स्पीड भी कुछ भी नहीं लगता है भाई, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा है यार। फीलिंग लेने के लिए हम लोगों को चलाना पड़ेगा भाई 200। बाइक लेने का ही दम नहीं है भाई, तो क्या ही बोले आपको। 200 कुदाने वाला बाइक तो भाई दूर का बात है। स्टूडेंट आई एम ऑन फुल जोश भाई, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा अपन पूरा जोश में आ चुके हैं इस अच्छा वाला रोड देख के। भूटान का रूट उतना ज्यादा भी नहीं है, 3.8 किलोमीटर, तो आई एम श्योर आप लोगों को गेट भी दिखा के लाऊंगा मैं। 3 ही किलोमीटर का तो बाद है भाई, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। एंड गाइस इधर सबसे बड़ा दिक्कत जो है, इधर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है तभी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो बॉयज इधर देखिए ऐसे सैचुरेटेड लग रहा है। एंड मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ यार, ये टाइम पे माकड़ापारा जरूर से विजिट कीजिए भाई। जस्ट लुक एट द व्यू बिलो, क्या खतरनाक लग रहा है हिल्स यार। बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ मैं इधर। सो भाई लोग मैं छोड़ा है कुछ ये वाला रास्ते से। सो बॉयज हम भैया को बोले यार जाके आते हम लोग, क्योंकि मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। बॉयज फाइनली हम लोग फिर से आ चुके हैं रोड पे। तो गाइस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1.8 किलोमीटर। भाई देख पा रहे हो, ओ मी गॉड, देखो आगे जो नजारा लग रहा है, इस साइड भी हिल, चारों ओर हिल, सुंदर सा रोड इधर से जा रहा है। बॉयज यहाँ पे लगता है एक मार्केट, मार्केट का नाम है माकड़ापारा मार्केट। फाइनली हम लोग करीब पहुंच चुके हैं टू भूटान गेट। यहां से चालू हो जाता है अपना गेट के लिए मस्त वाला रास्ता भाई। क्या नजारा, क्या भाई क्या ही लग रहा है। आज के देख पा रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री भूटान का। एंड आई डोंट थिंक यार मैंने आप लोगों को एक बार भी दिखाया भूटान का गेट। सर गेट तक जा सकते हैं? तो सर को पूछा अपन ने तो बोला गेट तक जा सकते हैं, तो ये है अपना भूटान गेट देख पा रहे हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे भूटान गेट के सामने। एंड मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो ये है भूटान गेट, इसके उस पार ही है बस भूटान, एंड ये पार है इंडिया। एंड यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग गम टू भूटान गेट 0 किलोमीटर, तो यहाँ तक ही है इंडिया का सीमा आना, उसके बाद चला जाता है आपका भूटान। एंड भूटान का घर बार देख पा रहे हो, एंड सामने क्या मस्त है घर, उधर देख पा रहे हो भूटान का घर सब। एंड आज हम लोग इधर आए, भैया लोगों का वहाँ पे मैच था तो उसी बहाने हम लोग इधर चले आए, तो बहुत अच्छा लगा यार। बहुत दिनों के बाद गेट देखा भूटान तक आके, आप लोगों को फर्स्ट टाइम मैं शायद दिखा रहा हूँ भूटान का गेट। सो कैसा लगा भाई बता दो, मैं मतलब इंटरनेशनल तो नहीं कर सकता, उधर जा तो नहीं सकता। चलिए फिर थोड़ा सा देख लीजिए सिनेमेटिक्स। फाइनली हम लोग अभी इधर से निकलेंगे एंड मंदिर दिखाएंगे, माकड़ापारा मंदिर आप लोगों को। आई थिंक मंदिर तो बंद हो चुका है, यही तक है इंडिया ये वाला बॉर्डर, उसके बाद ही उधर से भूटान चालू हो जाता है। और अपन तो जा नहीं पाएंगे यार कुछ महीनों के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद भूटान खुलने का बाद है, तो उस टाइम जाएंगे, उस टाइम ये वाला गेट नहीं तो जगह वाला गेट नहीं तो कहीं से भी यार भूटान इंटर करके आप लोग को इंटरनेशनल भाई राइड दिखाएंगे। तो अभी चलिए फिर वापस चलते। बस गेट तो घूम लिया, फिर जाएंगे हम लोग मंदिर, इधर से हम लोग को लेना पड़ेगा लिफ्ट। सो गाइस इतना दूर तो सही रास्ता है, लेकिन इधर थोड़ा सा रास्ता बहुत ख़राब है। एंड गाइस वो जो ऊपर आप लोग एक गुम्फा देख रहे हो, आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरे पे, लेकिन वहाँ पे ऊंचे पे एक गुम्फा है,
वहाँ तक जाने के लिए अलाउ था, मतलब जब भूटान ओपन था तो वहाँ तक कोई भी आज जाके घूम के आ सकता था। हम लोग भी गए थे आज से करीब 4 या 5 साल पहले, तो बिना परमिशन के भाई चढ़ जाओ कोई कुछ नहीं बोलता था। अभी आप लोग को सब कुछ परमिशन लेके उसके बाद भूटान एंटर करना पड़ेगा, एंड कुछ दिन बाद से खुलने का बाद है, तभी अपन लोग मस्त से जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे सारा सीन क्या क्या। एंड मंदिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला बंद हो चुका है क्योंकि 2 बजे तक ही यहाँ का मंदिर खुला रहता है। ओ डोगेश, हे डोगेश। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे मकरापुरा मंदिर के सामने, एंड ये देख पा रहे हो भाई, ये देख पा रहे हो आप लोग क्या खूबसूरत मंदिर है। एंड ऊपर वहाँ पे बैठने का सीढ़ी भी है, एंड जैसे कि वो देख पा रहे हो गेट बंद हो चुके हैं, 2 बजे तक ही रहता है। मैं जैसे कि आप लोगों को बोला ऊपर से आज संडे भी था, मेरे को उतना मालूम नहीं है। सो आज यहाँ पे आए थे, आके बहुत अच्छा लगा। भूटान गेट भी हम लोगों ने घूम लिया, एंड मंदिर भी आए हम लोग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फोटो शोटो खींच के हम लोग निकलेंगे। सब भाई लोग यहाँ पे चेक कीजिए मंदिर, क्या सुंदर मंदिर लगा। क्या मस्त, क्या शांति लग रहा है यार बैठ के, एंड पीछे मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर खुला रहने से और भी अच्छा लगता, लेकिन मस्त लग रहा है भाई, अलग ही फीलिंग आता है। यहाँ से आप लोगों को हिल्स नज़र आएगा, ये भी हिल्स ही है, देखिए यहाँ पे भी जो आप लोग देख पा रहे हो इधर सामने ही ये बेरा लगा है, उसके उस पार ही भूटान ही है। हम लोग इधर से निकल रहे हैं, एंड कुछ अलग ही वाइब आता है ये मंदिर पे। एंड अभी सीढ़ी से उतर रहा हूँ, गिर जाने का डर तो है ही, शांति लगता है यार ऐसा जगह पे आने से, मंदिरों पे आने से बहुत अच्छा फील होता है। एंड कैसा लगा मंदिर भी आप लोग प्लीज़ ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। आज तो कुछ अलग ही टाइप का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, एंड हम लोग को यहाँ पे 2 दोस्त मिल चुका है। हे डोगेश ब्रो, हे डोगेश ब्रो, एंड ये होगा विधायक हमारा, नहीं चिमटू, ये चिमटू है, ये चिमटू है, ये डोगेश है, देख पा रहे हो। हे डोगेश, तो टाटा भाई हम लोग अभी जाने वाले हैं। सो गाइस फिर निकलते हैं हम लोग ये वाला अच्छा वाला प्लेस से, मकरापुरा मंदिर। देखिए कितना सारा कबूतर आ चुका है भाई, मैच के वहाँ पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि भैया लोग वहाँ पे है, आई थिंक मैच स्टार्ट हो चुका है। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ अलग ही नज़ारा लग रहा है भाई, सनसेट भी हो रहा है उस साइड, एंड हिल्स, अलग ही फील भाई, अलग ही फील आ रहा है। सो गाइस फाइनली हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे, ये देख पा रहे हो, एंड भैया अपना इधर है खेल रहा है, देख पा रहे हो ट्रॉफीज भाई कितने बड़े बड़े, खतरनाक मैच चल रहा है, लेकिन लाइट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। जगा लो सनम धरो सनम, साला पगला, Eventually. So boys, finally match ends and हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जयगांव जीत चुका है ये वाला मैच को 1-0 से। सो अभी हम लोग भी घर निकलने वाले हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बॉयस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे आउट ऑफ द स्टेट का, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।